देखो माया कौन है, ये भगवान की पुलिस है। याद रखो सारे, हम सब माया के अधीन हैं, माया के कंट्रोल में हैं, माया के निरीक्षण में हैं। तो हम क्यों माया के निरीक्षण में आए, क्या कारण इसका? भाई चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता था। पाशे ते माया तारे झापटी आधारे। जीव जब सुख भोगना चाहता है इस भौतिक जगत में, तो माया उसको पकड़ लेती है, भगवान की पुलिस पकड़ लेती है। अरे क्यों पकड़ती है भगवान की पुलिस? इसलिए ये जो माया का जगत है, ये अपराधियों के लिए है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। हम सब ने अपराध किए, इस बात को याद रखो। और हम यहाँ से नहीं हैं, इस भौतिक जगत से हम नहीं हैं, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हम नहीं निकलना चाहेंगे अज्ञानतावश, आज नहीं तो कल, परसों, दसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अपनी गलती से आए हैं। भगवान का एक गुण है, वह स्वतंत्र हैं। क्या है? सारे बोला करो, हम उनकी संतान हैं। वो भी गुण हम में भी है, पर हम छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। कैसे बड़े हैं कृष्ण? समुद्र से एक कतरा पानी का लो, वो जो कतरा है, जो गुण समुद्र में है, वो कतरे में भी है। ठीक है, समुद्र का पानी खा रहा है, कतरा भी खा रहा है, लेकिन अंतर क्या है उस कतरे में, उस बिंदु में और समुद्र में? समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा छोटा सा है, हम वो छोटे से कतरे हैं। लेकिन स्वतंत्र होने के कारण, थोड़ी सी हम छोटे हैं तो थोड़ी स्वतंत्रता है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हम कहते हैं हम क्यों भगवान के अधीन रहें? भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, ये भी याद रखो। वो बहुत दया में हैं, दया के सागर हैं। इसमें समझने की बात है।